नंबर जिंदाबाद, आशीर्वाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, नलके को जिताना है, नलके को जिताना है जी। भगवान की दुआ से नलके को वोट देंगे, माई दुआ है भगवान परमात्मा इन्हें जिता दे, ठीक है जी। बड़ौद का चुनावी रंग रण अपने पूरे रंग पर है, जहाँ प्रत्याशी नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, वहीं जो उनके समर्थक हैं वे भी पूरे प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी सुनील तोमर के संबंध में एक जो ये भाई हैं विकलांग भाई हैं और ये प्रचार प्रसार में दोनों तरफ आप देख सकते हैं राष्ट्रीय लोकदल झंडे लगे हुए हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम भाई आपका? सुंदर है जी। अरे सुरेंद्र जी, दोनों तरफ राष्ट्रीय लोकदल झंडे लगाए हुए हो, विचार किसको बना रहे हैं सर? मेरा आज ही इन्हें बना रहे हैं, भगवान की दुआ से नलके को वोट देंगे, माई दुआ है भगवान परमात्मा इन्हें जिता दे, ठीक है जी। क्यों दे रहे हैं वोट इनके नलके को? हाँ जी, अच्छा आदमी को दे रहे हैं जी। हाँ जी, अच्छा काम करे, अच्छा बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, कहाँ कहाँ प्रचार प्रसार में लगे हुए झंडे लगा के? कहाँ कहाँ गए? हाँ जी, पठानकोट, इधर कुताना अड्डा, इधर ये सबरुल चुंगी, सब जगह लगा दिया जी। अच्छा, अश्विनी दोवर प्रत्याशी हैं राष्ट्रीय लोक दल के, उनसे मिले हो एक बार कभी? हाँ जी, मिले हैं जी। कुछ कहना चाहोगे तो हमारे माध्यम से? हाँ जी, कहने चाहेंगे जरूर। माए दुआ है भगवान उनको पढ़ाए आगे और भगवान दे अब, ठीक है जी। मैं बताओ, हाँ मैं चाहता हूँ भगवान जीता है नहीं। हाँ, तो बड़ौद के अंदर कुछ कहना चाहोगे? बड़ौद के अंदर जी बस गरीब आदमी हूँ। हाँ जी, एक लड़की है, बस गरीब आदमी हूँ जी, इनके लिए कर रहे हैं जी सौ एक। हाँ जी, इतना ईश्वरानी पवन जी। अच्छा, आप भी इनके साथ में हैं? हाँ जी। क्या है विचार, किसको बना रहे हैं सर? विचार तो आपके नलके को ही बनाना है जी। क्यों बना रहे हैं नलके को? हाँ जी, अच्छे आदमी है जी, मजदूर आदमी है, 5 साल हुए काम करते हैं, मजदूरी बराबर देते हैं, मजदूरी 400 भी हुई तब भी 500 दी उन्होंने, और 300 या 500 500 ही मजदूरी देते हैं, पैसा रोज शाम को मजदूर को मजदूरी से पहले दे देते हैं। बड़ौद का चुनावी समर अपने पूरे रंग पर है, जहाँ एक तरफ प्रत्याशी नुक्कड़ सफाई कर रहे हैं, वहीं जो समर्थक हैं वे भी पूरे जोरों शोरों से उनके प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। ये जो विकलांग समर्थक थे रालोद के प्रसाद या अश्विनी तोमर के समर्थन में दोनों तरफ उन्हें झंडे लगाए हुए हैं। अब देखते हैं कि बड़ौद में चुनावी जो ऊँट है वो किस करवट बैठता है।